नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब सैनिक बलों को भी निकाय चुनाव में लगाया जाएगा और इसको लेकर 70 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात की जाएंगी। इसके साथ साथ 110 कंपनियां पीएसी की भी लगाई जाएंगी और डीजीपी मुख्यालय में भी चुनाव सेल का गठन किया गया है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी प्रदेश में इस बार। मतदान केंद्रों की बात की जाए तो 13,757 मतदान केंद्र और 43,263 बूथ बनाए गए हैं और अवकाश के दिनों में भी इस बार नामांकन केंद्र खुले रहेंगे। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 22 अप्रैल ईद के दिन भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 70 कंपनियां सीआरपीएफ की और 110 कंपनियां पीएसी की तैनात की जाएंगी। डीजीपी मुख्यालय में चुनाव सेल का गठन किया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। और इस बार देखिए, 22 अप्रैल ईद के दिन और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन भी नामांकन केंद्र खुले रहेंगे और नामांकन किया जाएगा। तो निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। अर्धसैनिक बल भी निकाय चुनाव में लगाए जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था के लिए और इसी को लेकर जानकारी सामने आ रही है। 70 कंपनियां सीआरपीएफ की लगाई जाएंगी चुनाव में। इसके साथ साथ 110 कंपनी पीएसी को भी तैनात किया जाएगा। और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय में चुनाव सेल का गठन किया गया है। तो देखिए, लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विकास साई हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय आपके पास आते हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? जिस तरह से कहा जाए कि निकाय चुनाव को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई है, सीआरपीएफ को भी लगाया जाएगा, पीएसी को भी तैनात किया जाएगा, और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है, किस तरह से आज जो तमाम अपराधी हैं उनके खिलाफ नकेल कसने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी तरह की निकाय चुनाव में गड़बड़ी ना हो सके? संजय, बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर के यूपी पुलिस खासी गंभीर है और खास करके जो चुनाव आयोग है वो बेहद गंभीर है, और यही वजह है कि यूपी के निकाय चुनाव को बेहतर ढंग से निपटाया जाए उसको लेकर के सतर्कता पहले से बरती जा रही है। बूथ लेवल पर जिस तरीके से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर 116 की कार्रवाई के तहत कहीं ना कहीं उन पर निगरानी रखी जाएगी और ऐसे लोगों को पर नज़र पुलिस पूरी तरीके से बना के रखेगी। अर्धसैनिक बल, पीएसी और पुलिस तीनों ही टुकड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनकी तैनाती की जा रही है जिससे कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ पाए, क्योंकि अगर मेयर के पदों की बात करें तो वो जो ईवीएम के तहत होगी और बाकी के जो पद हैं उनकी जो चुनाव का मतदान होगा वो बैलेट पेपर के जरिए किया जाएगा, तो इसको लेकर के भी सतर्कता बरती जा रही है। शहरी क्षेत्रों के निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके के जो संदिग्ध बूथ हैं उन पर भी नज़र बना के रखी जा रही है कि वहाँ पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल रहे जिससे किसी प्रकार की अभिप्राय जो घटनाएँ हैं वो न घट सके और चुनाव सुचारू रूप से किया जा सके। और 22 अप्रैल को ईद का मौका पड़ेगा और 14 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गजट छुट्टी के दौरान भी जो निकाय चुनाव के नामांकन का प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी, नामांकन की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, उसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। नामांकन को लेकर के जो गाइडलाइन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट की जा रही है, साथ ही साथ कोविड को लेकर के भी प्रक्रियाएं जो हैं खास करके कोविड कंट्रोल और उनके जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर के भी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो चाहे सुरक्षा हो या कोविड
सभी पर नजर बना के रखी जा रही है और कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना पहले से न घट सके, किसी प्रकार की कोई दुखद चीजें न हो, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को निर्देश चुनाव आयोग के जरिए जारी किए गए हैं और उसकी तैयारी कर ली गई है। शांतनु बिल्कुल, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विनीत, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल शांतनु, देखिए मैं आपको बताऊं कि बनारस में दूसरे चरण में चुनाव है, 4 मई को चुनाव है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल से ही शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो चुनाव से पहले जो तैयारियां होती है वो पूरी की जा रही हैं। इस बार निकाय चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बनारस के लिए जो पहले 75 वार्ड थे, अब इस बार इसको विस्तार करके इसको जो है 100 वार्ड कर दिया गया है। तो जो तैयारी है वो जोरों पर चल रही है। हालांकि कोविड के केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के भी लगातार तैयारी की जा रही है। हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, विकास सुशाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से इस बार अलग, जो कहा जाए कि पिछली बार से इस बार अलग जो व्यवस्था है वो किस तरह से है, और अभी तक कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चूंकि नामांकन की शुरुआत हो गई है तो निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जो पर्चा खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं। हालांकि मेयर के चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो पर्चे जो है बहुत कम जो है वो खरीदे हैं लोगों ने, लेकिन जो सभासद के लिए या फिर पार्षद के लिए जिस तरह से जो पर्चे हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं, तो क्या पूरी अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी शांतनु जी, आपको बताते हैं गोरखपुर में जो कि पिछली बार 1 नगर निगम और 9 नगर पंचायत थे, इस बार 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायत हैं। अब तक ये कल पहला दिन था, 11 से 17 तारीख तक जो नामांकन होगा उसमें कल 1000 के करीब पर्चे बिके थे, 121 मेयर के लिए और लगभग 800 से कुछ जो पर्चे थे वो सभासदों के लिए या पार्षदों के लिए। कुल मिला के कहा जाएगा किसी भी पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने भी घोषणा नहीं की है, इसलिए निर्दल और या वो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं वो अभी खरीद रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आज या कल में प्रत्याशी की घोषणा होगी तो राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपना कई सीटों में पर्चा खरीदेंगे। और अगर बात की जाए सुरक्षा की तो डीजीपी मुख्यालय से तो निर्देश आए हैं, साथ साथ जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है ऐसे संवेदनशील बूथों पे खुद जाके अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और साथ साथ जो भी अराजकता फैलाने या चुनाव में खलल डाल सकते हैं उनकी 107-16 से कार पाबंद किए जा रहे हैं, और भी जो चाहे एचएस हों, गैंगस्टर हों, इस क्षेत्र के निवासी हैं उनके खिलाफ भी पुलिस या कार्रवाई जो विधिवत कार्रवाई है वो हो रही है। तो कुल मिला के जो एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन दिख रहा है, लगातार आला अधिकारी चाहे एडीजी हो, आईजी हो, एडीजी हो, कमिश्नर डीएम हो, वो लगातार संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ साथ हिदायत दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। और जो असली लड़ाई है मेयर की बात की जाए तो गोरखपुर में एक बार को छोड़ दिया जाए, किन्नर आशा देवी चुनाव जीती थी, अब तक ये भाजपा के खाते में रहा है। लड़ाई नगर पंचायतों पे होती है क्योंकि राजनीतिक दल के समर्थन के बाद भी वह निर्दल जीत जाते हैं, अन्य पार्टियां जीत जाती हैं, तो लड़ाई काफ़ी तगड़ी होने वाली है क्योंकि ये CBIP शहर भी है, इस पर लोगों के ध्यान ज़्यादा रहता है क्योंकि एक मेयर के साथ साथ 11 नगर पंचायत भी इस जनपद में है। जी बिल्कुल, लोकेश आपके पास आते हैं। देखिए द्वितीय चरण में भले ही चुनाव हो गाजियाबाद में, लेकिन अभी से जो राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दल एक तरह से वॉर जो है वो छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह से जो राजनीतिक दल है वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं गाजियाबाद में? देखिए शांतनु, सबसे बड़ी जद्दोजहद तो टिकट को लेकर के चल रही है, क्योंकि जो मेयर पद है गाजियाबाद का वो शुरू से बीजेपी के पास रहा है और वहां पर तकरीबन जो हमें जानकारी है सूत्र के हवाले से कि 8 से 9 ऐसे लोगों के नामों पर चर्चा चल रही है जो कि मौजूदा मेयर जिसमें शामिल है, और इसके अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी हैं जो कि पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों के भी नाम पर चर्चाएं हो रही हैं। दूसरे दल भी अपनी कवायद तेज किए हुए हैं, वो भी लगातार जो है प्रत्याशी तलाश रहे हैं, क्योंकि ये एक कहा जाए कि परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट रही है, इसलिए अन्य दलों के लिए यहाँ बहुत कुछ ज्यादा रहता नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में एक अलग ही बात सामने आई है कि BSP के पार्टी कार्यालय पर पैसे के लेन देन को लेकर के पोस्टर वार शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं ने BSP कार्यालय के बाहर ही पोस्टर लगा दिए हैं और आरोप लगाए हैं पूर्व सी और मौजूदा जिला अध्यक्ष पर कि वो लोग सीटों की बिक्री कर रहे हैं और एक सीट से 3 से 4 जो पार्षद और सभासदों की सीट है उनसे 3 से 4 लोगों से पैसे लिए गए हैं। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है,
दूसरी तरफ तैयारी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है, पुलिस अपनी तैयारी पर है। प्रशासन के तौर पर सबसे पहले जो संवेदनशील बूथ है उनको चिन्हित कर लिया गया और इन सभी बूथ की 100% जो अति संवेदनशील प्लस और संवेदनशील के दायरे में है उनकी वेबकास्टिंग कराई जाएगी। और जितने तकरीबन 294 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर जिनके लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें 10% से ज्यादा बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। दूसरी इस बार सबसे अहम और नई प्रक्रिया जो शुरू की गई है वो ये कि जो शस्त्र जमा कराने की सीमा है, पहले केवल नगर निकाय के अगर चुनाव होते हैं तो नगर निकाय क्षेत्र के ही लोगों के शस्त्र जमा कराए जाते थे, इस बार ये समय सीमा जो सीमा है इसकी 10 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी इलाके से निकाय से 10 किलोमीटर के दायरे में आता है तो वहां के लोगों को भी जो शस्त्र धारक हैं लाइसेंस ओनर्स हैं उनको अपने लाइसेंस जो है वो जमा कराने पड़ेंगे, हथियार जमा कराने पड़ेंगे। तो ये उस तरीके की तैयारियां हैं जिसमें गैंगस्टर से लेकर के जो 116 की कार्रवाई है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई है ऑलरेडी की जा चुकी है, जो लोग जिला बदर हैं उनको आने की कतई अनुमति नहीं होगी। और चुनाव की तनान पूरी तरीके से ये प्राथमिकता है सरकार की भी और प्रशासन की भी कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरा चुनाव बिल्कुल इस तरह की जो कहा जाए कि जो कार्रवाई है वो प्रशासन लगातार करता है। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए। नरेंद्र, किस तरह का राजनीतिक माहौल मेरठ में इस वक्त और क्या अपडेट सामने आ रही है चुनाव की तैयारी को लेकर? देखिए, इस समय जो राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। कल आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर प्रत्याशी की घोषणा कर दी। खुद संजय सिंह जो सांसद हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो मेयर पद के लिए ऋचा सिंह का नाम घोषित कर दिया है। लेकिन बीजेपी में ये जो कवायद है वो कल पूरे दिन भी चलती रही, तो चिंतन और मंथन का दौर है वो चलता रहा। जो प्रभारी हैं जिले के वो मंत्री भी धर्मपाल सिंह यहाँ पर आए थे, इसके अलावा जो पंकज सिंह जो प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और चिंतन मंथन का दौर चलता रहा। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन अभी आवेदन ऐसे हैं जिनके नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन अभी जो मेयर पद का प्रत्याशी है या फिर किसी पार्षद पद का प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसी तरह का जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी और बसपा में भी बना हुआ है। वहाँ भी आज तक जो आवेदन है बस वही लिए जा रहे हैं दावेदारों की ओर से। लेकिन एक गंभीर बात यह है कि बीजेपी में कुछ ऐसे भी लोगों ने अपने टिकट के लिए, मेयर के टिकट के लिए दावेदारी की है जो तमाम विवादों से घिरे हैं और दागी हैं। इनमें एक समय सिंह सैनी जो शहर के जो अवैध ज़मीनें हैं या फिर विवादित ज़मीनें हैं उनकी खरीद फरोख्त के लिए बदनाम है। इसके अलावा वो अतीक अहमद के पुराने साथी रहे हैं और थोड़े दिन पहले एक मामला भी खुला था उनसे जुड़ा हुआ जिसमें क्रीमिलियर ज़मीन करीब 70 एकड़ ज़मीन जो है वो अतीक अहमद की चिट्ठी से अर्जन मुक्त कराई गई थी। तो इस तरह के जो मामले हैं उन पर भी पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि ऐसे लोगों के नाम पर कंसीडर किया जाए या नहीं। तो कुल मिलाकर अभी इंतजार और करना होगा क्योंकि यहाँ पर 17 से जो नामांकन का दौर है वो शुरू होगा, दूसरे चरण में चुनाव होना है। तो ऐसे में अभी काफ़ी वक्त है। और एक और बात मैं आपको शांतनु बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियां हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो इसलिए देरी से अपने कैंडिडेट का नाम घोषणा करती हैं क्योंकि ऐसे में जो दबाव होता है उनके ऊपर उसको वो कहीं किसी हद तक दबा देती हैं। और समय अगर 1-2 दिन का ही रहता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो बाकी के दावेदार हैं उनको मौका नहीं मिलता कहीं कोई अप्रोच करने का। तो एक तो ये बात है, दूसरे जो बागी हैं उनकी बगावत से भी बचा जा सकता है क्योंकि जो बागी हैं और वो अगर दूसरी जगह भी जाना चाहता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी है एक पार्टियों की और उसी स्ट्रेटजी के तहत ये सारी पार्टियां काम कर रही हैं क्योंकि लोग भी जानते हैं और जो दावेदार हैं वो भी जानते हैं कि जो मुख्य विपक्षी और सत्तारूढ़ दल हैं उनके टिकट पर ही एक मजबूत चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल एक बड़ी घोषणा की गई है। उनका एक नारा है इस निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश के लिए कि जो हाउस टैक्स है वो माफ़ होगा और बाटा टैक्स माफ होगा और हाउस टैक्स जो है वो हाफ होगा। तो एक तरीके से जो फ्री पानी का एक ऐलान है वो कल संजय सिंह यहाँ पर कर गए हैं और यही जो स्ट्रेटजी है उन्होंने दिल्ली में लागू की थी और उसी की बदौलत वो कई सारे चुनाव भी वहाँ जीते हैं। तो कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी है वो इस समय अगर
जो प्रक्रिया में देखा जाए तो काफ़ी आगे है। उन्होंने अपने कई सारे पार्षदों के भी नाम घोषित किए हैं, मेयर का भी नाम घोषित किया है और जो उनका मैनिफेस्टो है वो भी अब जनता के सामने आ गया है। उन्होंने दो बड़ी घोषणाएँ कर दी हैं और इसके बाद जो जनता का रुख है वो देखना होगा आखिर किधर जाता है। शांतनु, बिल्कुल, नरेंद्र कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल है वो स्ट्रेटजी अपनी अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।